हेलो, वेलकम टू माय आर्टनिक चैनल। इस डिज़ाइन में हम आपको शेडिंग पर स्ट्रोक से किस तरह से डिज़ाइन में बनाया जाता है वो बताएंगे। पहले हमने डिज़ाइन ट्रेस किया, ये प्लेन ग्रीन कलर भर लिए और ये लाइट ग्रीन कलर से इसकी आउटलाइन और अंदर स्ट्रोक दे दिए। यहाँ पर ये पत्तियाँ ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन कलर से बनाकर लाइट ग्रीन कलर से स्ट्रोक से जो खाली जगह है वो भर दी गई है। अब ये हम आपको शेडिंग बता रहे हैं, तो ये रेड और वाइट से ली गई है। रेड लीजिए पहले सर, इसकी हम ऐसे आउटलाइन कर लेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसा इसका पोर्शन बढ़ा देंगे ब्रश से, फिर ब्रश को पोंछ लेंगे, फिर वाइट लेंगे। अब वाइट से हम इसको इस बॉर्डर पे ब्रश रखकर इसे मिक्स करते हुए आगे बढ़ाएंगे, तो ये डार्क पिंक कलर बन जाएगा। फिर ब्रश पोंछेंगे, फिर हम वाइट लेंगे, फिर इस बॉर्डर पे हम इसे मिक्स करते हुए नीचे ले जाएंगे, फिर ब्रश पोंछेंगे। अब ये फोर्थ स्टेप इसकी, नीचे थोड़ा एकदम लाइट पिंक कलर बन जाता है ये, और जो ये लेयर बनी है यहाँ पर इसे हम मिक्स कर देंगे। और इसे गीले गीले में ही बनाना पड़ता है, सूखने के बाद नहीं। जल्दी से फिर हम वापस इसकी आउटलाइन लेंगे रेड की यहाँ पर, आउटलाइन लेने के बाद में हम इस पे स्ट्रोक ले लेंगे, तो ये थोड़े स्ट्रोक इसमें मिक्स भी होते जाएंगे और ये कंप्लीट भी होते जाएंगे, डार्क भी नहीं दिखेंगे। फिर ये जो यहाँ पर इस तरह के निशान बन गए हैं उन्हें थोड़ा सा ऐसा कवर कर दीजिए आप। तरह से ये डिज़ाइन को कंप्लीट किया जाता है। ये कंप्लीट करने के बाद में, सूखने के बाद में हम इसमें डार्क मरून कलर से इसकी बारीक आउटलाइन कर देंगे, तो ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा। इस तरह से मरून कलर से इसकी आउटलाइन कर लेंगे। बीच में हमने येलो भरा है, येलो के ऊपर और डार्क मरून कलर, यानी यही मरून में हम ब्लैक मिला के और डार्क बना के इस पर इस तरह से लाइन से बिंदियां बिंदियां लेके इसे कवर कर लेंगे। और ये वाला पोर्शन जो है, ये ग्रीन वाला, तो पहले हम लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर भर देंगे और लाइट ग्रीन से इसकी इस तरह से आउटलाइन करके इसमें स्ट्रोक ले लेंगे। ये स्ट्रोक बनाने के बाद में बीच में मरून की सी आउटलाइन ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।